Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot. Expert truth always exposes darkness. तो आज का जो टॉपिक है guys, वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द क्या मैनिफेस्ट डेफिनेटली होने वाला है. सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या बिल्कुल आप मैनिफेस्ट करने वाले हो. ओके सो लेट मी सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कार्ड है द हायरोफेंट. वाओ. ओके द नंबर 5 इज इम्पोर्टेंट. यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स. ओके वी डू हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. वी डू हैव द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स. 10 of cups, 3 of wands, 5 of cups, page of wands. Bottom of the deck हमारे पास है 7 of pentacles, okay, and queen of swords. All right. यहाँ पे कैंसर पाइस स्कॉर्पियो है, कर्क वृश्चिक और मीन राशि. यहाँ पे है एरीज लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनुराशि. यहाँ पे है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि. टॉरस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज यस ऑल द साइंस हैव कम. 5 इज वेरी इंपॉर्टेंट. 5 5 5 ट्रिपल 5 इंपॉर्टेंट हो सकता है. 3 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है. 7 इज इंपॉर्टेंट एंड 10 इज इंपॉर्टेंट. 7 7 5 5 3 3 एंड 10. बेसिकली जो मुझे आपसे ये कहना है कि क्या आप मैनिफेस्ट करने वाले हैं बहुत जल्द, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने फैमिली को बहुत दिन से मनाने की कोशिश कर रहे थे या कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, या आप अपने रिश्तेदारों को समझा रहे थे कि आपको अपने मनपसंद के हिसाब से शादी करना है. ठीक है. और आप यहाँ पे मैं यही देख पा रही हूँ जिनके साथ आपकी शादी होगी, जिनके साथ आपका बंधन होगा, उन्हीं के साथ आप भी डिस्कशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पे एक नतीजे पे आप लोग पहुँच भी पा रहे हो कि व्हाट हैज़ टू बी डन. ठीक है. सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अप्रूवल फ्रॉम योर फैमिली साइड. आपके फैमिली साइड से अप्रूवल मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है. दूसरा चीज़ है कि एक हैप्पी फैमिली आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो आपके साथ डेफिनेटली होगा. ठीक है. कुछ लोगों के लिए आपकी करंट सिचुएशन में आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड नज़र में आ रहे हैं. करंट सिचुएशन में बोल रही हूँ जहाँ पे आप हद से ज़्यादा सोच रहे हैं, वो ऐसा कुछ तो होने वाला नहीं है बिकॉज यू आर ओवर थिंकिंग एंड ऑल्सो यू आर थिंकिंग अबाउट द नेगेटिव थिंग्स इन योर लाइफ. जो पास्ट में हो गया उसको आप सोच सोच के इतना परेशान हो रहे हो कि आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो रही है. तो बाकी कामों में आप कैसे एनर्जी यूज़ करोगे आप बताओ फिर. सो दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक सॉलिड प्लान कुछ लोग यहाँ पे बना रहे हैं. इफ आर वेरी यंग यू आर मेकिंग अ वेरी सॉलिड प्लान जो वर्कआउट 100% करेगा. ठीक है. क्योंकि आप चूज़ करोगे फ्रॉम अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑप्शंस एंड डेफिनेटली मुझे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा पेशेंस आप रख रहे हैं. इसका रिजल्ट जो होगा, परिणाम जो होगा वो काफ़ी अच्छा होगा. दूसरा चीज़ है कि आप आपका कुछ समय से नींद इसलिए नहीं आ रहा है, इधर तो आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, इधर तो आप बहुत ज़्यादा ऑफिस का सारे लोड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने लेकर रखा है. लेकिन ये याद ज़रूर कीजिएगा कि भले ही आपकी अभी प्रॉब्लम्स चल रही है, लेकिन इस शिखर पे जब आप पहुंच रहे हैं, व्हेन यू आर रीचिंग दैट हाइट ऑफ द माउंटेन, तो ऑफ कोर्स बहुत सारे ऑपोजिशन तो होंगी, बहुत ज़्यादा ट्रबल्स तो आएगा. आइदर यहाँ पे देखो नेचुरली जैसे होता है ना, नेचुरली डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं जब हम लोग काम करते हैं. ठीक है. नेचुरली लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, जिनका मन भी नहीं होगा वो भी आके प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे. दूसरा चीज़ है कोई किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देना चाहता. सो ऑपोजिशंस तो हमेशा रहेंगे, लेकिन आप हर एक चीज़ को चुनौती दे रहे हो
एंड यू आर रीचिंग दैट दैट हाइट ऑफ सक्सेस. ओके एंड डेफिनेटली कुछ लोग अगर प्लान है ठीक है कि यू हैव टू एक्सपेंड योर बिजनेस, वो भी मैनिफेस्ट हो रहा है कि आपका ऐसा हमेशा चाहत रहा है कि आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस जो है या आप जिस काम को करते हो उसको उसका सिर्फ एक नहीं, एक ब्रांच नहीं, बहुत सारे ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूशन हो. एंड यू वांट टू विटनेस इट, आप उसको देखना चाहते हैं कामयाब होते हुए अपने बिजनेस को. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है. लेकिन कुछ एडिक्शंस को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन अ नेगेटिव वे. कुछ चीज़ें हैं जिसको भूलने के लिए आप कोई भी एडिक्शंस, मे बी यू आर टेम्पटेड टू टेक दोज एडिक्शंस, बट वो हेल्थ के लिए आपके अच्छे नहीं होंगे ठीक है. और आप उस गम को भुलाने के लिए अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल वो सब बंद कर दीजिए, बिकॉज दैट विल डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर. फिर आपका फ्यूचर जो इतना ब्राइट दिखाई दे रहा है मुझे, वो फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगे उसमें, उसमें काफ़ी ज़्यादा समस्या आ जाएगा. टेक रेस्ट, टेक सम हॉलीडेज, बट कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है कि आप फिर से हॉलीडे लेके भी उस सारे चीज़ों को सोचते हुए, सो डोंट डू दैट ठीक है. क्योंकि हर एक चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, कुछ कुछ चीज़ हमें हालात के बारे में सोच के फिर उसके ऊपर सरेंडर कर देने चाहिए. जहाँ पे आप कर सकते हैं वहाँ पे आप डेफिनेटली उस चीज़ को ऑफ कोर्स एक्शन लीजिए, बाकी चीज़ जो आपके हाथ में नहीं है वहाँ पे एक्शन मत लेने चाहिए. बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू आर मैनिफेस्टिंग विक्ट्री, यू आर मैनिफेस्टिंग ऑपोजिशंस, बट दे विल बी, दे कांट डू एनीथिंग, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाएंगे. वो ऑपोजिशंस कर सकते हैं लेकिन कोई बिगाड़ नहीं सकते आपकी रेपुटेशन को या आपकी जो पावर है ठीक है, जो स्पीकिंग एबिलिटीज़ है. मे भी आप बहुत अच्छा से बोल लेते हैं, जो लोग इतना अच्छा बोल ही नहीं पाते. कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, जो आप अच्छा लिख पाते हो शायद बहुत सारे लोग लिख नहीं पाते हैं. सो कहीं ना कहीं पे आई फील लाइक दैट दैट यू आर मैनिफेस्टिंग द हाइस्ट ओके ड्रीम्स ऑफ योर लाइफ. बट बीच में अगर आप रुक गए किसी वजह से तो वो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस नेगेटिव वे में होगा. अभी हम यहाँ से देख लेते हैं विद द क्यूब्स कि आप क्या मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं. सो यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डिरेक्शन. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड. देखा यहाँ पे भी माउंटेन है एंड यहाँ पे भी माउंटेन है. सो ऑफकोर्स माउंटेन रिप्रेजेंट्स चैलेंज, आप उसको हटा नहीं सकते लेकिन आप उसके शिखर पे पहुँच के जीत आपकी ज़रूर होगी. जब कुछ लोग जाते हैं पहाड़ी इलाके में, अगर हम इसको इस तरह से समझें, पहाड़ी इलाके में जाते हैं और अभियान उनका स्टार्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं पे बर्फ़ गिरने का, लैंडस्लाइड होने का ठीक है, जो पहाड़ी इलाके में रहते हो आप लोग जानते ही हो कितना खतरा है ऊपर जाने का. लेकिन वो रुकते नहीं हैं, दे डोंट स्टॉप एट ऑल ठीक है. यहाँ पे देखो क्लाउड्स के आसपास आ जाते हैं, क्लाउड भी ठीक है आ जाते हैं आसपास, फिर भी वो रुकते नहीं हैं. सांस का प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज ऑक्सीजन लेवल कम होते जाता है. सो इट्स लाइक दैट. सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि आपको आप ना मैनिफेस्ट जब अच्छे से कर रहे होंगे तब आपको बहुत सारे साइंस दिखाई देंगे ठीक है. एंड डेफिनेटली आई डू बिलीव कि स्टिल आप लोग कुछ चीज़ों में हैं जो भ्रम है आपका ठीक है, जो भ्रम है वो भ्रम जितना टूट जाए वो अच्छा है ठीक है. सो कहीं ना कहीं पे एक स्पिरिचुअल चीज़ों के प्रति अगर आपकी आकर्षण बढ़ रही है उसका मतलब है यू आर ऑलरेडी इन द वे ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ रियलिटी ठीक है. कुछ चीज़ों को आपको और भी वेरीफाई करने की ज़रूरत है बिफोर यू रीच द कंक्लूजन. जब आप फैसले पे आ रहे हैं तब आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा. यहाँ पे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस इस तरह से भी काम कर रहा है, यहाँ पे आपकी जीवन जो अप एंड डाउन होते रहता था या आप बहुत ज़्यादा किस्मत के ऊपर ठीक है निर्भर थे या कहीं ना कहीं पर आपको लगता था कि नहीं इस तरह से ही ज़िंदगी ठीक है चल सकता है, बट नहीं, आपको कुछ और भी हासिल हो सकता है जो आपने अभी तक नहीं सोचा ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ रीडिंग. आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर सब्सक्राइब
एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ एंड कीप वॉचिंग. डिविनिटी टैरो 6 वेयर ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस. थैंक यू गाइज एंड लव योर लॉट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय.